जनता पार्टी के कार्यकर्ता वैसे तो 5 साल लगातार पार्टी का काम करते ही रहते हैं, लेकिन जब हमारे केंद्रीय नेता, केंद्रीय पूर्व अध्यक्ष, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री यशस्वी अमित शाह जी ने जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया है, संकल्प कराया है, तो निश्चित रूप से हमारे सभी कार्यकर्ता संकल्पित होकर भारतीय जनता पार्टी का गांव-गांव जाकर प्रचार भी करेंगे, सरकार की खामियों को भी बताने का काम करेंगे, और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, मोदी जी ने जो झारखंड के लिए किया है, जैसा कि उन्होंने बताया कि 10 साल में कांग्रेस की सरकार ने 84,000 करोड़ रुपया दिया था और मोदी जी की सरकार ने 10 साल में 3,84,000 करोड़ देने का काम किया है। ये पैसे का रोना रोते हैं, असल में इनको विकास से मतलब नहीं है, ये माइनिंग से, बालू से और तरह तरह के घपले घोटाले से पैसा कमाना जानते हैं। थैंक यू। इतने उत्साह के साथ जा रहे हैं और किस संकल्प? अरे हम लोग तो उत्साह में लगे हुए हैं, यह पहले से भी, और आज जो उन्होंने सूत्र दिया उसमें और हम लोग ज्यादा जोर लगाएंगे। कार्यकर्ताओं के बीच क्या मैसेज होगा? एकदम हम लोग सब जगह से जीतेंगे, और इन्होंने जो सूत्र दिया है बहुत बड़ी चीज है, तो हम लोग झारखण्ड में सरकार बना रहे हैं। आप आगे बढ़कर के उन लोगों को रोकें। इस मंच से आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या लेकर जा रहे हैं? अमित शाह जी ने जिस तरह से जोश आप लोगों के अंदर भरा। देखिए 2014 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार बहुमत की सरकार बनी थी, पुनः 2024 में हम वही बहुमत की सरकार बनाने वाले हैं, और ये सरकार हेमंत सरकार जो ठगने का काम की है आज झारखंड की जनता जान चुकी है, उसे उकाड़ फेंके फेंकने का संकल्प लेकर के हम अपने क्षेत्र जा रहे हैं। विजय संकल्प का मंत्र मिला है, और आज से लेकर के सब हमारे कार्यकर्ता पूरे अपने पंचायत में प्रखंड लेवल पर पूरा काम करने लगेंगे। आने वाले दिनों में ऐसी सरकार जो तानाशाही की सरकार चल रही है, इनको उखाड़ फेंकने का संकल्प रहने है। क्षेत्र में कितना आप कार्यकर्ताओं से कनेक्ट कर पाई हैं? अब वहाँ बात जो है संवाद कनेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारे साथ पूरा कार्यकर्ता मिल रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता जिसे अभी हम तुरंत चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद हम पूरा दौरा कर ही रहे हैं संथाल का। नाराजगी पुरानी वाली दूर हुई? कौन सी नाराजगी? कुछ जो सवाल आपके थे। अब नाराजगी क्या है, कभी कभी एक इतना बड़ा विशाल परिवार में कुछ कुछ खटपट तो होती है। थैंक यू भैया। कितने चार्ज हो गए और किस संकल्प से? आपने कर कहता हूँ, जब उनका साथ दिया, जब नारेबाजी की, तो आपको समझ में आया होगा कि कार्यकर्ता कितने उत्साह में है। आज उनके संबोधन, उनके मूल मंत्र को लेने के बाद कार्यकर्ता जोश और खरोश में है। आने वाले आगामी चुनाव में झारखंड में भाजपा के पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और झारखंड के विकास के रूप में सारे कामों को किया जाएगा। बहुत उत्साह कार्यकर्ताओं के अंदर जो उत्साह दिखी, निश्चित तौर से झारखंड की जनता मूड बना चुकी है कि भारत सरकार को उखाड़ फेंकेगी और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। जिस तरह से युवाओं के अंदर उत्साह दिखा और जो झूठा वादा करके सरकार ये बनाई गई थी और कई तरह के वादा किया गया था झारखंड सरकार के द्वारा, वो सारे चीजों को विफल हुआ सरकार और झारखंड की जनता, और भ्रष्टाचार जिस तरह से हुआ 4 सालों में, वो महिला से लेकर युवा तक त्रस्त हो चुके। इस मूड को देखते हुए झारखंड की जनता निश्चित तौर से मूड बना चुकी है और ये भारत सरकार को उखाड़ फेंकने के निश्चित तौर से मूड बना चुकी है, और आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार बनेगी। आई मैडम, ऐसे उसके संकल्प के साथ जा रहे हम लोग। देखिए, लगातार जनप्रतिनिधि विधायक होने के नाते लगातार जनता के बीच रह रहे हैं, सुख दुख में जनता के साथ रहते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो विकास काम है, जनहित में जो काम है विकास, ये 2024 का लोकसभा चुनाव में भी आप लोग सब देखें कि हम लोग 50 का 50 विधानसभा जीते। हम लोग यहाँ तक कि जो अभी पूर्व वक्ताओं ने जो बता रहे थे, हमारे नेतृत्वगण जो बता रहे थे कि जहाँ मंत्री है, माननीय मंत्री है झारखंड सरकार के, वहाँ वहाँ सीट हम लोग हार गए हैं, वहाँ भाजपा की जीत हुई। तो कहीं ना कहीं इस राज्य की जनता तो अपने आप में ठगा हुआ महसूस कर रहा है, और आने वाला समय में 2024 में विधानसभा चुनाव, अभी 2-3 महीना के अंदर ही विधानसभा चुनाव है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकास, ये सरकार का जो
जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने वाले जो घोषणा 19 में किए थे, एक भी घोषणा पूरा हो नहीं हुआ। इसलिए जनता उस दिन का इंतजार वोटर कर रहा है कि कब वोट का तिथि आए, हम लोग वोट डालेंगे और ये ठगबंधन की सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सर बहुमत की सरकार बनेगी, ये विश्वास हम लोग को है, ये संकल्प लेके हम लोग घर जाते हैं। यहाँ से क्या लेकर अपने क्षेत्र में जा रहे हैं? एक एक कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी का उन्माद है। एक एक कार्यकर्ता को चेहरे को आप पढ़ने वाले सूरवीर हैं। आप देखिए कि जिस सोच के साथ अमित शाह जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड को बनाया, उन्होंने अटल जी का नाम लिया कि उन्होंने झारखंड को बनाया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी झारखंड को सजा रहे हैं और संवार रहे हैं। आज निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक उत्साह का वातावरण बना है। हम लोग घर घर जाएंगे, इस सरकार की विफलता को बताएंगे। आज सड़क पर छात्र हैं, मजदूर बेहाल हैं, लोगों को नौकरी नहीं मिली, बेरोजगारी भत्ता देने का काम नहीं किया। हम लोग घर घर जाएंगे, लोगों को जगाएंगे, सरकार की विफलता को बताएंगे। और मेरा ऐसा मानना है झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी और जब सरकार बनेगी तो विकास दिखेगा भी और विकास बोलेगा। नहीं, निश्चित रूप से आज जो विस्तृत कार्य समिति का जो बैठक हुआ उसमें अमित शाह भाई साहब ने जो कार्यकर्ताओं को उन्होंने जो ऊर्जा दिए हैं, उन्होंने अपने उद्बोधन में कार्यकर्ताओं को जो उत्साहित करने का काम किए हैं और हेमंत सोरेन सरकार ने जो 5 साल के दरमियान में जो झारखंड की जनताओं को उन्होंने जो ठगने का काम किया है, यहाँ तक कि बालू से भी घी निकालने का जो काम किया है, ये सारे विषयों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और आने वाला जो चुनाव है हमारा नवंबर या तो अक्टूबर में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए फिर से झारखंड में सरकार बनेगी और जो विकास का गति रुक गया था हम लोग गाँव गाँव तक विकास के गति को पहुँचाएंगे।